आपकी कुंडली में अगर आपकी मेष राशि है तो अगस्त के महीने का यह वीडियो आपके लिए है। मेरा यह वीडियो जन्म कुंडली की जन्म राशि के अनुसार पर है, इसलिए आप अपनी जन्म राशि के अनुसार मेरे चैनल पर अपनी राशि देखें। अगर बात करें मेष राशि के लिए अगस्त 2023 के महीने की, तो इस महीने में मेष राशि के जातकों को मिले जुले फल मिलेंगे, क्योंकि दोनों छाया ग्रह राहु और केतु आपके पहले लग्न स्थान में और सातवें जीवन साथी स्थान में केतु का गोचर हो रहा है। लग्न में राहु बैठा है और सातवें जीवन साथी स्थान में केतु बैठा है। आपकी राशि के जो स्वामी मंगल है, उसका जो मित्र है गुरु, वो आपके लिए विशेष लाभकारी ग्रह है। वह राहु के साथ में आपके पहले लग्न स्थान में मौजूद है। ये आपके शुभ परिणामों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा कि राहु गुरु के साथ में युति करके लग्न स्थान में बैठे। सूर्य आपके पंचम संतान स्थान का, शिक्षा स्थान का, वाणी स्थान का जो स्वामी है, वह चौथे माता और सुख स्थान में गोचर कर रहेंगे। वहीं शुक्र जो है अष्ट अवस्था में आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान के स्वामी भी है। साथ में बुध भी रहेंगे और शुक्र के साथ में मंगल भी रहेंगे। तो आप मेरे चैनल से अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पहले भाव में राहु के साथ में बृहस्पति की युति आपके लग्न स्थान में हो रही है और सातवें भाव में केतु जो है गोचर कर रहे हैं या जीवन साथी स्थान है। इसके कारण आपके मेष राशि वालों के लिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मेष राशि के जो लोग हैं, यानी आप लोग, अनचाहे तनाव और चिंता का सामना आपको करना पड़ सकता है और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। 15 सितंबर 2023 तक बुध की प्रतिकूल दशा के कारण बुध की प्रतिकूल स्थिति के कारण मेष राशि के जातकों को शारीरिक दर्द या हाथ पांव की जो नसें होती है, गर्दन की जो नसें होती है, उससे जुड़ी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान और योग, व्यायाम, पैदल चलना आदि की सलाह दी जाती है, ताकि नसों का जो दुखाव है उससे आपको कम तकलीफ हो। आपकी राशि के स्वामी पंचम संतान और शिक्षा स्थान में मौजूद रहेंगे। इसका प्रभाव से आपको अपने अंदर दृढ़ संकल्प दोहराने का जो है वह प्रतिज्ञा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर स्थिति में आने में इस अगस्त महीने में सक्षम रहेंगे। मंगल आपका फुल सपोर्ट करेगा। राहु और बृहस्पति की जो युति है पहले भाव यानी लग्न स्थान में है और केतु आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से जातकों को अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जो आपके लिए विपरीत स्थिति हो, यानी खर्चे के अलावा आपकी जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक आपका स्टैंडर्ड स्टेटस है, उसके लिए भी इस महीने में कुछ ऐसी विपरीत स्थिति आपके लिए हो सकती है। इस अगस्त के महीने में आपके जो बच्चे हैं, संतान हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा अतिरिक्त खर्चा करने की नौबत आ सकती है। संभावना ऐसी है कि आपको अपने जमा पूंजी जो आपने कर रखी है अभी तक, उसमें से भी थोड़ा बहुत खर्चा जो है आपको करना पड़ जाए। दूसरे भाव का जो स्वामी है शुक्र, आपके लिए पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में वक्री अस्त अवस्था में रहेंगे। इस कारण से आपको थोड़ा सा आर्थिक मामलों में जो है नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस नुकसान के साथ में ये भी संभव है कि आप इस महीने में ज़्यादा जो कमाई होती है, एक्स्ट्रा जो कमाई होती है, या काम धंधा अच्छा चलने से जो भी आपकी इनकम बढ़ती है उसमें थोड़ी कमी आ जाए, या फिर इनकम बढ़े तो साथ में खर्चा भी ज़्यादा हो जाए। इस प्रकार के योग आपके लिए बनेंगे। आपके लिए लव लाइफ ऊपर नीचे इस महीने में होती रहेगी। छाया ग्रह राहु और केतु की जो विपरीत दशा चल रही है या
ये जो आपके अशुभ फल दे रहे हैं, इस कारण से जो भी आप प्रेम संबंधों में हैं, जो भी लोग, उनको थोड़ा इस महीने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवें स्थान का जो स्वामी है सूर्य, वह अपनी ही राशि से बारहवें भाव में, यानी चौथी राशि कर्क राशि होती है चंद्रमा की, और आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। खास करके जो मेष राशि की महिलाएं हैं या मेष राशि की जो लड़कियां हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में आप अगर किसी से प्रेम प्यार करती है तो यह प्रेम प्यार का जो है रिश्ता बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। आप जिनके साथ भी प्रेम प्यार का व्यवहार करेगी, संबंध बना कर रखेगी, हो सकता है वह इंसान आपके साथ में शोषण करके और अपना आपको अकेला छोड़कर चला भी जाए, तो आपको इस महीने में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ में दूसरे भाव का जो स्वामी है वह अस्त अवस्था में पंचम संतान और शिक्षा स्थान में मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं, इसलिए जो है विपरीत फल मिलने का इस महीने में आपको विशेष विपरीत फल मिल सकता है। वही बात है कि आप अगर किसी से प्रेम प्यार करते हैं तो उसमें आपको परेशानियों का, बदनामी का सामना करने की नौबत आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर प्रेम और परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति प्रेम भाव में कुछ कमी आ जाए या आपका मन उचाट हो जाए अपने प्रेमी से या अपने परिवार के लोगों से। कुल मिलाकर अगर देखें तो आपको जो है आध्यात्म और ध्यान, धर्म ध्यान आदि करने से इस महीने में काफ़ी मदद मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और आपको मानसिक शांति भी धर्म ध्यान आध्यात्म या साधु संतों के सत्संग करने के साथ में ज़्यादा अधिक मिलेगी। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे को फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पाँचवें, सातवें और नौवें भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उसका शुभ फल आपको परेशानियों से इस महीने में बाहर निकलने में मदद करेगा। साथ ही इसके जो शुभ फल है वह भी आपको अनेक बाधाओं को टालने वाले मिलने वाले हैं। फिर भी आपको इस अगस्त महीने में सावधान तो रहना पड़ेगा। गुरु आपके लिए हर समय आपके सहयोग करेगा, आपको अनिष्ट से बचाएगा, हानि से बचाएगा, लेकिन सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। और गुरु इस महीने में आपको अगर कहीं सफलता मिलती है तो इसका श्रेय आप गुरु को भी दे सकते हैं। अगस्त का ये जो महीना है आपके लिए कैसा रहेगा, परिवार में, कैरियर में, स्वास्थ्य का, प्रेम का आदि क्षेत्रों में अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं आपका कैरियर यानी कार्य क्षेत्र आदि कि कैसा बीतेगा अगस्त का महीना। आपके लिए कैरियर के लिहाज से अगर ये महीना देखें अगस्त का, तो मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। कैरियर के लिए जिम्मेदार ग्रह शनि अपनी वक्री अवस्था में है, जिसके कारण आपको कैरियर में सामान्य वृद्धि देखने को मिल सकती है। मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है मंगल, वह भी छठे भाव में मौजूद रहेगा और मंगल की जो स्थिर अवस्था से देखेंगे तो आपको जातक नौकरी में, पैसे में अच्छी सफलता मिलेगी जब मंगल छठे भाव में आपके गोचर करेंगे। अगर आप प्रशासनिक विभागों में हैं, जैसे नेवी है, पुलिस है, सेना है, जासूसी है, या और भी कोई जज है, या रक्षा मंत्री या रक्षा सौदे से या रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, तो इस महीने में आपका जो प्रदर्शन है वह बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आपके लिए आर्थिक जो अगर देखें कि यह महीना थोड़ा सा अगस्त का महीना मुश्किल भरा बीतने वाला साबित होगा, ऐसी मैंने जो अनुसंधान किया है आपके मेष राशि वालों के लिए ऐसी संभावना बनी हुई है कि इस महीने में आपके लिए आर्थिक पक्ष जो है वह थोड़ा कमजोर रहेगा। लग्न स्थान में राहु बृहस्पति की युति से आपके खर्चों में थोड़ी सी अतिरिक्त वृद्धि होने की आशंका है, या फिर कुछ धन हानि होने का भी योग है।
शुक्र भी आपके जो धन देने वाला ग्रह होता है वह अस्त अवस्था में रहेगा कई दिनों तक, तो आपके लिए यह भी अच्छा संकेत नहीं है। और इस कारण जो है शुक्र की स्थिति कमजोर होने के कारण धन में भी आपके कमी रहेगी और जो है विपरीत परिणाम भी आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। विपरीत परिणामों में क्या है, फालतू खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, या अचानक से कोई खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपको आप करना नहीं चाहते और वह खर्चे भी आपको करने पड़ जाए, तो इस प्रकार से जो है धन आपका खर्च होने के योग है इस महीने में है। और इसके साथ में आपको धन आने का योग भी होने का प्रबल योग है या संभावना ऐसी बनी हुई है। इसके साथ में दूसरे भाव का जो स्वामी तीसरे भाव का जो स्वामी है बुध इस महीने के अंत तक वक्री रहेंगे, तो तीसरे पराक्रम स्थान का जो स्वामी बुध है वह अगर वक्री रहेंगे तो आपको मेहनत तो पूरा करना पड़ेगी, लेकिन मेहनत का जो फल है, परिणाम है, लाभ है, वह आपके लिए थोड़ा सा कम मिलेगा या फिर देर से मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आप लगातार मेहनत करते रहें। अब देखते हैं प्रेम या फिर वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार से रहेगा। तो मैंने इस बारे में काफ़ी पहले ही आपको अभी बता दिया है कि आपकी मेष राशि है इसलिए आपके लिए प्रेम के लिहाज से यह महीना बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आपके लिए अपने साथी के साथ में जो प्रेम करते हैं जिनसे आप, उनके साथ में तालमेल बनाने में थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। दोनों के विचारों में भिन्नता रहेगी, दोनों के जो शौक है, एक आपसे कुछ और डिमांड करेगा लेकिन आपकी वह डिमांड पूरी करने की इच्छा नहीं होगी, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में मतभेद हो जाएगा। और अगर आपने उनकी बेवजह की डिमांड को पूरा कर दिया तो फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा आगे। साथ ही अगर आप विवाह के बारे में भी कोई विचार कर रहे हैं तो आपके लिए अभी प्रेम को अपने प्रेम रहने दे, उसको विवाह में अभी तब्दील करने की ना सोचें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम बढ़ाने वाला या प्रेम के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला जो ग्रह है शुक्र, वह अस्त अवस्था में रहेगा, इसलिए जब तक शुक्र अस्त रहेगा तब तक आपको अपने प्रेम के रिश्ते में सावधान रहना है और हमेशा संतुलित व्यवहार करके उसको संभाल कर रखना है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में केतु का गोचर चल रहा है, लग्न स्थान में बैठे राहु सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो यह जो स्थिति बन रही है यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ज़्यादा कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसमें आप दोनों के बीच में कई बार, रोजाना नहीं लेकिन कई बार, आपस में वैचारिक तालमेल नहीं होने के कारण तुतुमय या कुछ खटपट खटपट जैसी होने की संभावना है। आप अपने सभी प्रकार के जो रिश्ते हैं उसमें खुशियों में या रिश्ते के जो बलवान होने में जो आपस में प्रेम रस रहता है उसमें कुछ कमी महसूस करेंगे। और आपको मैं यही सलाह दूंगा कि सप्तम जीवन साथी स्थान में केतु बैठा है इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ में हमेशा तालमेल बढ़ाने की और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें, इसकी आपको इस महीने में विशेष जरूरत रहेगी। अब देखते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। आपके लग्न स्थान में राहु बृहस्पति के होने के कारण आपको अपने परिवार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी शुक्र भी अस्त रहेगा इसलिए आपके परिवार में थोड़ी बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। महीने के अंत में आपको परिवार में जो है थोड़ा बहुत विवाद ऐसा भी हो सकता है जो कुछ हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति का भी आपको इस महीने में सामना करना पड़ सकता है। आपके जो परिवार में किसी तरह का विवाद हो तो आप अपने आप को पहली कोशिश यह करें कि ऐसे विवादों से दूर रहे, या फिर अगर आपको विवाद में शामिल ही होना है तो भी आप अपना एक न्यूट्रल ऐसा स्टैंड बनाकर रखें ताकि आपको आगे इसका नुकसान न उठाना पड़े। आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी खुशियों में कमी मेरे को दिखाई दे रही है कि इस महीने में पारिवारिक जीवन में थोड़ी खुशियां कम रहेगी, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, थोड़ा सा आपका जो है मन सबके प्रति शंका से भरा या कुछ उनकी बातों से विचलित रहने वाला है।
और परिवार में जो अनचाहे विवाद होंगे, वह विवाद भी आपको मानसिक तनाव परेशानी देने वाले रहेंगे। और परिवार के सदस्य अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो आपके परिवार में चाहे कितने भी विवादास्पद मुद्दे हों, उन सब का आप समाधान मिलकर कर भी सकते हैं, ऐसा भी योग है। अब बात करते हैं संतान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, संपत्ति की। तो इन चारों विषय में एक ही मेरा जो है अनुसंधान किया हुआ निर्णय है कि यह अगस्त का महीना साधारण रहेगा, चाहे वो संतान का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या संपत्ति का मामला। जैसा चल रहा है आप वैसा चलने दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में आप जितना ज़्यादा धर्म ध्यान करेंगे, साधु संतों की सत्संग करेंगे या फिर पूजा अर्चना साधना माला वगैरह में करेंगे, ध्यान देंगे, तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप ज़्यादा दुनियादारी के विवादों में पड़े इस महीने में। अब मैं आपके लिए उपाय बता देता हूँ कि मेष राशि के जो लोग हैं इस महीने में, जो मैंने बताया है ग्रह स्थिति कैसी रहेगी और उसका परिणाम क्या रहेगा, उसके अनुसार मैंने उपाय भी आपके लिए निकाला है। आप उपाय को बहुत ध्यान से देखें। इस महीने में आप तेल में तली हुई पूड़ी या फिर तेल से बनाया गया परौंठा होता है, उसके ऊपर गुड़ रख कर गाय को खिलाए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तेल में तली हुई पूड़ी होती है और तेल में पकाया हुआ परौंठा भी होता है, उसके ऊपर गुड़ रखकर आप गाय को रोज़ाना दें, एक को, दो को, चार को, जितनी आपकी सामर्थ्य शक्ति है उतनी गायों को आप परौंठे के ऊपर गुड़ रखकर दें। इसके अलावा जो भी कोई गरीब आदमी आपको मिले, मांगता करता, सड़क किनारे बैठा, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या कई जगह ऐसे मिल जाते हैं गरीब लोग, तो आप उनको भी तेल में तली हुई अगर चीज़ें देंगे, जैसे कचौरी है, समोसा है, पकौड़ा है आदि, कुछ भी उसको खाने के लिए दें, तो इसका फल आपको इस महीने में अच्छा मिलेगा और यह महीना भी आपके लिए अच्छा बीत जाएगा। और आप अगर तेल शनिवार को दान करें, मंगलवार को ये जो भी चमेली का तेल है हनुमान जी को भी चढ़ाएं, तब भी आपको लाभ मिलेगा। यह था आज के वीडियो में मेष राशि के लिए अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में इस महीने में 15 अगस्त का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा धूमधाम से, तो आप देश को सम्मान देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। इस महीने में 15 अगस्त का त्यौहार है, आप सभी को 15 अगस्त पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल वीडियो में मिलता हूँ वृषभ राशि का अगस्त महीने का मासिक फल लेकर, तब तक जय जिनेंद्र।